तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 3:30 और थोड़ी देर पहले करीब 1.5 घंटा पहले मैं पहुंचा था शिमला। और मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा मैंने शिमला टॉय ट्रेन की जर्नी आपको दिखाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। अब आगे जो है मैंने यहाँ पहुँच कर होटल में चेक इन कर लिया है। होटल जो मैंने लिया है वो है होटल डिप्लोमेटिक और ये है अपना लक्कड़ बाज़ार में। इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ रही थी ऑनलाइन मैंने देखा 2100-2200 और पेटीएम पे भी 1800-1900 का था। तो किस तरीके से मैंने इसको 800 रुपये में लिया है रूम को, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और दोस्तों का शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। दोस्तों ये रूम मैंने बुक किया है, 800 का पड़ा है मुझे आफ्टर कैशबैक। टीवी वगैरह सब है, बेड है, ओके है, बहुत बढ़िया भी नहीं बोलूँगा तो बेकार भी नहीं है, बिकॉज़ ठीक है। टॉवल वगैरह उन्होंने मुझे दे दिया और ये वॉशरूम है, गीजर वगैरह सब है इसमें। ओके है, और रिज के बहुत पास है 500 मीटर्स, तो ठीक है। दोस्तों कुछ देर होटल में आराम करने के बाद 3-4 घंटे के बाद मैं अभी बाहर निकला हूँ और अभी आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रही है, इसलिए मैं गैजेट ज़्यादा बाहर लेके निकला नहीं हूँ, ख़राब होने का डर रहता है। तो काफ़ी सोया मैं थोड़ी देर और उसके बाद अभी बाहर आया हूँ तो अब भी यहाँ पे बर्फ़बारी और इस बार तो ज़्यादा ही हो रही है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। दोस्तों रात को आप देख सकते हैं रिज। दोस्तों ये सबसे मोस्ट हैपनिंग प्लेस है शिमला के अंदर, तो आपको सारा क्राउड यहीं मिल जाएगा मोस्टली। अभी बर्फ़बारी रुक चुकी है, थोड़ा बारिश भी रुक चुकी है, तो हवा तेज़ है, लेकिन ये इंडिया का फ्लैग। यही मेन प्लेस है, यहाँ से अगर इस साइड जाएंगे तो लक्कड़ बाज़ार मिलेगा आपको, चर्च के साथ रास्ता जाता है बिल्कुल ऊपर झाकू टेम्पल के लिए, और आगे की ओर तिप्तन मार्केट पड़ती है, तो वो भी अभी देखेंगे और दिन में भी कल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगा। तो मॉल रोड पे आपको बैंक और काफ़ी कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ATMs ईजिली मिल जाएंगे, आगे डोमिनोज हैं। तो आप देख सकते हैं डोमिनोज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, दूसरे दिन अभी उठा हूँ मैं सिर्फ, तो एकदम से मैंने देखा और बाहर जो रात को स्नोफॉल हुई है उसका व्यू जो है वो आपको दिखाता हूँ विंडो से। तो चलिए देखिए, उसके बाद बाहर निकलेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, फिर नहा धोकर अपना एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। दोस्तों मेरे होटल के बाहर देख सकते हैं कितनी स्नोफॉल हुई है रात को, कल जब मैं अंदर गया था तो साफ था, कम हुई थी। दोस्तों अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और स्नोफॉल थोड़ी सी रुकी है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा हो चुका है यहाँ पर इस समय इस पे। और मेरे साथ कुछ भाई लोग हैं जो सहारनपुर से आए हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, कल भी मुझे मिल रहे थे, उस समय वीडियो बना नहीं रहा था, अभी दोबारा मिल गए तो इनको मैं आपसे मिलवाता हूँ। ये सब हाय नीरज त्यागी सहारनपुर, ये सब सहारनपुर से आए हुए हैं और यहाँ इन्जॉय कर रहे हो सर? खूब एंजॉय, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुबह सुबह तो बहुत ही सुबह बहुत अभी जो ही दी है सुबह से, हाँ बिल्कुल हो रही है, बहुत बढ़िया है सुबह, बिल्कुल ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम भी मैं रात में निकलूँगा। नहीं काली बारी टेम्पल है यहाँ पर, वहाँ जा रहे हैं,
वहाँ पहुँच कर मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम लगा मुझे रिज से। अभी वॉकिंग डिस्टेंस ही है, वैसे ज़्यादा दूर है नहीं बताते हैं कि झाकू मैंने पहले घुमा हुआ है तो झाकू इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं, और ऊँचा भी और बर्फबारी काफ़ी हो चुकी है, रास्ता बंद है अभी। स्नोफॉल आपको दिखा दिया तो यार लाइक तो करना बनता है एक वीडियो पे, एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों होटल से चेकआउट कर दिया और कल शाम से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है और अभी भी हो रही है, इसलिए मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट सब अंदर रख दिया, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको मैंने जैसा कि बताया था मैं आपको बताऊँगा कि मैंने होटल हाफ रेट पे कैसे लिया, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन प्लीज़ चेक करते रहिए, कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो 1500 का पेटीएम पे दिखा रहा था, मुझे 750 का कैशबैक मिल गया, तो 750 में मुझे ये बुकिंग मिल गई। और कभी कभी जब आप रिचार्ज वगैरह करते हैं तो देखिए करिए वहाँ पर 1 रुपये में 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ में आपको कूपन मिल जाता है होटल वगैरह के। तो वो मेरे पास था 1 रुपये का, मैंने परचेज़ किया था 50% डिस्काउंट का, तो वो मैंने बुकिंग करते समय यूज़ कर लिया। तो अभी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, और मेरी शाम की ट्रेन है शताब्दी, इस बार थोड़ा आउट ऑफ बजट ट्रैवल करा है तो कभी कभी करना चाहिए, लेकिन स्नोफॉल पूरा पैसा वसूल कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे सर पे अभी भी कितनी सारी स्नोफॉल है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं, अगर कुछ और देखूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो अभी स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो चुका है और ये लंकड़ बाज़ार के अंदर हूँ मैं, मार्केट पूरी खुली नहीं है स्नोफॉल की वजह से। यहाँ मार्केट में आकर जो है वुडन टॉयज़ वगैरह डेकोरेशन का स्टफ़ मिलता है वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस टाइम से वुडन स्टफ आपको मिल जाएगा, देखिए। तो दोस्तों ये तिप्तर मार्केट है, यहाँ पर आप वुलन क्लॉथ्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। अभी ये बंद पड़ी है, बर्फबारी आज ज़्यादा हुई है तो ओपन नहीं हुई, फिर भी 2-4 शॉप हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से आपको यहाँ क्लॉथ्स वगैरह मिल जाएंगे जो आप इस पूरी रोड पर दुकानें आप आकर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो घूम लिया, अभी नीचे उतरते हैं बस स्टैंड पे, अगर एक आधी जगह पे जाने का मूड है, अगर बस मिलती है और रास्ते खुले हुए, वरना फिर कालका पहुँचूंगा क्योंकि कालका से ट्रेन है और रास्ते बर्फ़ की वजह से बंद हो सकते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आगे आपको बताता हूँ स्टोरी जो भी रहेगी। बस स्टैंड की और रिज से आप नीचे उतरते हैं तो आपको एक ये चर्च मिल जाएगी जो आप वॉक करते समय एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक रिज पे थी और एक ये है, यहाँ देख सकते हैं स्नोफॉल और ये बहुत ज़बरदस्त यार। शिमला बस स्टैंड पे आ चुका हूँ, ये यहाँ से लोकल बसें मिल जाएंगी ISBT के लिए, शिमला के लिए। नीचे से मुझे कालका के लिए बस मिलेगी, अभी चाय पी रहे हैं और यहाँ बसेस
बंद है और काफी कम गैप पे चल रही है, तो देखते हैं जैसा भी अगर आगे होता है तो मुझे लगता नहीं कि मैं और कुछ आगे एक्सप्लोर कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मेरी ट्रेन जो है कालका से कालका शताब्दी है। आई होप आपको ये वीडियोज़ काफ़ी पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए और रेड बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, काफ़ी ठंड हो रही है। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।